तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कज़न आलू काट रही हैं, पोटैटो अच्छे से मैश कर रहे हैं। तो कट करने के बाद ये मेरी कज़न के आधे आलू हो चुके हैं, आधे आधे काटना है। 2000 years later. यहाँ पर इसको चार से पाँच दफा वॉश कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। आपको जितना सॉल्ट खाने के अंदर पसंद है आप उतना डालें। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है। बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 स्पून। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। गाइस इसका मसाला अब हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। गाइस ये हमारे फ्रेंच फ्राइज जो हो रहे हैं फ्राई हो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग कितने टेस्टी लग रहे हैं। गाइस हमारे फ्रेंच फ्राइज बन चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने यम्मी लग रहे हैं। गाइस ये बहुत यम्मी था, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मुझे तो कैचअप और मसाला दोनों पसंद है, आप मुझे कमेंट बताना कुछ मसाला पसंद है या कैचअप। गाइस मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आप भी आओ ट्राई करना तो मुझे भी ज़रूर बताना कि कैसे थे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और पक्के तो और भी अच्छे हो गए थे, उसका मसाला लग रहा था तो और भी अच्छे थे। गाइस